नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में 28 विपक्षी दलों का महामंथन। 2024 के चुनाव में मोदी के सामने चेहरे के साथ गठबंधन के संयोजक और सीटों पर हो सकता है फैसला। इसरो ने जारी किया चंद्रयान से जुड़ा एक और वीडियो। एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, सुरक्षित मार्ग की तलाश में रोवर को घुमाया गया। इस रोटेशन को लैंडर इमेजर कैमरे द्वारा कैप्चर किया गया। ऐसा महसूस होता है मानो कोई बच्चा चंदा मामा के आंगन में अटखेलियां कर रहा हो। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र। 22 सितंबर से चलने वाले सत्र में होगी कुल 5 बैठकें। संसद की नई इमारत में खत्म हो सकता है सत्र, सूत्रों के हवाले से खबर। विपक्ष ने तारीख पर उठाए सवाल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का मिशन शंखानाद। सोशल मीडिया पर 10 करोड़ लोगों से संपर्क साधने की तैयारी। देश के 100 बड़े शहरों में सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ बैठकें करेंगी भगवा पार्टी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 स्तरों पर होंगे। पहले पंचायत चुनाव, फिर नगर निकाय चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं, इस पर निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है। सौर भौतिक विज्ञान प्रोफेसर दीपांकर बैनर्जी ने कहा, वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 2 सितंबर को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद सूर्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में नई जानकारियां मिल सकेंगी। इंडिया की बैठक से पहले राहुल गांधी की ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के साथ सीक्रेट बैठक। बंगाल में TMC और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की अटकलें। आम आदमी पार्टी के गोवा प्रमुख अमित पालेकर को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। रोड रेस के मामले में पालेकर को किया गया है गिरफ्तार। पालेकर ने कहा, इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के त्यौहार रक्षाबंधन पर बृहस्पतिवार को शाहजहांपुर में महिलाओं ने पेड़ों को भाई मानकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और उनके दीर्घायु होने की कामना की। शहर के एक स्वयंसेवी संगठन VIP ग्रुप की महिलाओं ने लगभग आधा दर्जन स्थानों पर छोटे पेड़ों को राखी बांधी। ITBP के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम इलाकों में तैनात जवानों की कलाई पर इन क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों और महिलाओं ने राखी बांधी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आयोजित हुआ रक्षाबंधन का कार्यक्रम। मुंबई इंडिया की बैठक से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का तंज। इंडिया गठबंधन ने मोदी जी की नींद उड़ा दी है। कहा, मैं संबित पात्रा को सलाह देता हूं कि वह PM के लिए नींद की गोलियों का इंतजाम करे। एलन मस्क का एक्स यूजर्स के लिए बड़ा ऐलान। कहा, एक्स पर जल्द ही ऑडियो और वीडियो कॉल की भी सुविधा होगी शुरू। वीडियो या ऑडियो कॉल के लिए मोबाइल नंबर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। दावा किया, वर्ष 2024 में उसकी सत्ता से विदाई हो जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका। कोलारस से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। सिंधिया को ठहराया जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जारी है सौगातों की बारिश। जुलाई अगस्त में गैस सिलेंडर खरीदने वाली महिलाओं के खाते में आएंगे 500 रुपए। सितंबर में बिजली का बिल जीरो। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग में एक बहुमंजिला इमारत में आग। कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई। 43 अन्य झुलसे। इस इमारत में प्रवासी लोग रहते थे। अडानी समूह पर OCCRP की रिपोर्ट पर बवाल। कंपनी के शेयरों में गिरावट। अडानी समूह ने किया आरोपों का खंडन। शेयर बाजार में 3 दिन से जारी तेजी का सिलसिला थमा। सेंसेक्स 256 अंक गिरकर 64,831 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 94 अंक के गिरावट के साथ 19,254 अंक पर हुआ बंद। 1 सितंबर को 7 से 8 फिल्में होंगी रिलीज। इनमें प्रमुख है मिस्ट्री ऑफ द टैटू, लव ऑल फ्राइडे नाइट, प्लान, 12 आवर्स, खुशी, द इलेवाइजर और तीनेज मुटांट न्याजा टर्टल्स मुटांट महेम। शाहरुख खान की फिल्म जवान का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज। एक्शन, एडवेंचर और रोमांस से भरपूर है ट्रेलर। कई अलग अंदाज और लुक्स में नजर आए शाहरुख। 7 सितंबर को रिलीज होगी यह फिल्म। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।